नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, मैं हूं आपके साथ में नाक्षी शोरान। मौसम खबर में हम जानेंगे आगे आने वाला मौसम कैसा रहेगा, कहां पर चलेंगी तेज हवाएं, कहां पर कैसे रहेगी तापमान की स्थिति और कहां रहेगा मौसम साफ। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिरने की संभावना। सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान, तो पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में हो सकती है भारी बरसात। बिहार में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई जारी रखें, तो हरियाणा में गेहूं, सरसों और चना फसल की कटाई करें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। कल पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिरने का अनुमान। रविवार को ओडिशा, बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। दो दिन राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की संभावना। सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। सोमवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। असम और मेघालय में सोमवार को इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश संभव। सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। सोमवार को गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्से और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलना संभव। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह। और अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर। अगले दो दिनों में कहां पर होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा मौसम। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। वहीं कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। कल और सोमवार को पंजाब में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं दो दिन हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं रविवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं रविवार और सोमवार को पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही कल उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। रविवार को असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं और वहीं दो दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। वहीं रविवार और सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। कल ओडिशा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही रविवार को बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही कल और सोमवार को छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। दो दिन विदर्भ में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं कल मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार को कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही दो दिन रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं रविवार और सोमवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात की संभावना है। साथ ही रविवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात हो सकती है। अगले दो दिन उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं दो दिन केरल में कुछ
जगह बारिश का अनुमान है, जबकि रविवार और सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बरसात के आसार हैं। और अब आपको बताते हैं मौसम की चाल के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह हुई बरसात, साथ ही उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह हुई बारिश। वहीं पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसे बादल। बिहार के कई इलाकों में भी हुई बरसात। वहीं ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश हुई, साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। असम और मेघालय में कहीं कहीं वर्षा हुई। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हुई। तेज हवाओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं तेज हवाएं चली, साथ ही ओडिशा में इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। इसके अलावा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। पहले बात अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही कोंकण गोवा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके अलावा मराठवाड़ा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में रहा। फलौदी में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी खेतीबाड़ी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। और अब बात करते हैं आज की फसल के बारे में। हमारी आज की फसल है कपास। कपास अपने देश की प्रमुख फसलों में से एक है, और अगर हरियाणा और पश्चिम पंजाब की बात करें तो इस सीजन में, इस दौरान कपास की बुआई का काम जो है वो किया जा सकता है। कपास से जुड़ी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कपास की बुआई जून जुलाई में अधिक होती है, लेकिन कुछ उत्तरी राज्यों में किसानों ने इसे बोना शुरू कर दिया है। खासकर हरियाणा और पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों में कपास बोई जा रही है। पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में बीटी कॉटन और देसी कपास लगाई जा सकती है। बीटी कॉटन की हाइब्रिड किस्मों में एनसीजी 855 बीजी 2, आरसीएच 650 बीजी 2, अंकुर 3028 बीजी 2, एमआरसी 7017 बीजी 2, एमआरसी 7031 बीजी 2 शामिल हैं। गैर संकर किस्मों की बात करें तो यहां के किसान LHH 144 किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसके पत्तियां मुड़ी हुई और विषाणु रोधी होती हैं, जबकि पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में देसी कपास की PAU 626H, LD 694 और LD 327 आदि किस्में लगाई जा सकती हैं। इसी तरह हरियाणा में भी किसान कपास बो सकते हैं। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें, बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं और कतार से कतार की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर रखें। कम वर्षा होने पर 4 से 5 सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई
से पहले ही 2 लीटर फ्यूक्लोरेलिन को 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कपास में पत्ती की चित्ती और उकठा रोग का खतरा रहता है। चित्ती की रोकथाम के लिए डाइथेन M45 का 0.2%, जबकि उकठा के लिए जिनाब का 0.2% का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह का दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। तमिलनाडु के किसान हल्दी के रोपण के लिए खेत तैयार करें। रायलसीमा में मूंगफली की बुआई का काम कर लें। आंध्र प्रदेश के किसान धान और मक्का फसल की कटाई करें। केरल के किसान अदरक और हल्दी के रोपण के लिए खेत तैयार करें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में रागी, मक्का, सोयाबीन की बुआई करें। यहाँ के किसान तिल, मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। तेलंगाना में सब्जी फसलों को फल छेदक कीट से बचाने के उपाय करें। यहाँ के किसान कीट को नियंत्रित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं। कोरोना का संक्रमण पूरी ही दुनिया में देखा जा रहा है। कोरोना से जुड़ी कुछ और जानकारियां हम अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं मौसम के लिहाज से खेती। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान अनाज को धूप में सुखा कर ही भंडारित करें। यहाँ के किसान मक्का और लोबिया की बुआई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मूंग की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान टमाटर की नर्सरी तैयार करें, साथ ही भिंडी और खीरा लगाएं। राजस्थान में गेहूं और चना फसल की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान कपास की बुआई कर लें। राजस्थान में तापमान ज्यादा होने के कारण सब्जी तुड़ाई का काम सुबह और शाम करें। यहाँ के किसान तोड़ी गई सब्जी फसलों को छायादार स्थान में रखें। COVID-19 का जो असर है वो खेती किसानी पर भी देखा जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से हर मुमकिन हर संभव ये प्रयास किया गया कि किसानों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। चाहे वो दिशा निर्देशों की बात हो, वो भी समय समय पर दिए जाते रहे, नई गाइडलाइंस बनाई जाती रही, यहाँ तक कि अब जो प्रौद्योगिकी है उसका भी इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है ताकि किसानों को कोई समस्या ना हो। ई नाम से 200 और मंडियाँ हैं जिनको जोड़ दिया गया है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि सरकार किसान भाई बहनों के लिए कितनी तत्परता से उनके लिए काम कर रही है ताकि किसानों को किसी तरह की कोई समस्या ना सामने आए। किसान का उत्पाद वाजिब दामों पर बिक सके और अपना उत्पादन बेचने में सरलता, पारदर्शिता और बिचौलियों की समाप्ति हो सके, इसलिए विगत दिनों प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कृषि मंत्रालय ने ई नाम प्लेटफॉर्म बनाया था और इसका काफ़ी सार्थक उपयोग संपूर्ण देश में ई कृषि व्यापार में हुआ। इस प्लेटफॉर्म से अभी तक 585 मंडियां जुड़ी थीं। 1000 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य था। आज दूसरे चरण में 200 मंडियां जुड़ रही हैं। कुल मिला के अब इनाम प्लेटफॉर्म से 785 मंडियां जुड़ गई हैं। आज इस अवसर पर इस प्लेटफॉर्म पर
लॉन्चिंग के अवसर पर व्यापार भी हुआ और इस मौके पर अनेक राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे। पिछले दिनों जब 585 मंडियां ईनाम प्लेटफॉर्म पर थीं, तब 1,00,000 करोड़ से अधिक का व्यापार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ। 1,66,00,000 किसान और 1,28,00,000 व्यापारी इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। इसका पूर्व में भी काफ़ी फायदा हुआ है और आज जब 200 मंडियां और जोड़ रहे हैं तो अनेक राज्य तो ऐसे हो गए हैं जिनकी संख्या ईनाम मंडी की 100 से ऊपर पहुंच गई है। राज्यों की संख्या भी बढ़ी है और मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में अब ये 785 मंडियां तेज़ी के साथ काम करेंगी और इस प्लेटफॉर्म के उद्देश्य को सफल करेगी। कृषि और कल्याण मंत्रालय ने लॉकडाउन के अवसर पर ही काफ़ी इस दिशा में परिश्रम किया और 1,000 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तरह मंत्रालय के सभी अधिकारीगण काम कर रहे हैं। आज 200 जुड़ी हैं, हम 785 हो गए हैं और मई माह के अंत तक 1,000 मंडियों को ईनाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसके लिए मैं एक तरफ सभी अपने मंत्रालय के अधिकारियों को, सचिव महोदय को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ इस प्लेटफॉर्म के आयाम को बढ़ाने के लिए काम किया। उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही आज ईनाम मंडी से जो जो राज्य और जो जो मंडियाँ जुड़ रही हैं उन सबको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग हो, अधिक से अधिक किसान और व्यापारी इस पर ट्रेड करें जिससे हम पारदर्शिता को और आगे बढ़ा सकें और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रेड को आसान कर सकें। 200 नई ईनाम मंडियाँ जुड़ चुकी है और आगे ये लगभग हम पूरा 1,000 तक का लक्ष्य पूरा करेंगे। तो माननीय मंत्री मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ और विशेषकर राजस्थान के अंदर भी मंडियाँ जोड़ी गई है और 3 राज्यों के अंदर सेंचुरी पूरी की है। तो वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है और इससे आने वाले समय में किसानों को और ट्रेडर्स को लाभ होगा और देश के अंदर भी जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम 2022 तक किसानों की इनकम डबल करेंगे तो उसके अंदर भी इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। और इस कोरोना के समय में जो ये आप सब ने ये किया है तो निश्चित रूप से इसका हम सबको लाभ होने वाला, देश को भी लाभ होने वाला। 200 नई मंडियों को ईनाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इसके पहले हम 585 मंडियाँ ईनाम से इंटीग्रेट कर चुके हैं, मिला करके कुल अब 785 मंडियाँ ऐसी हैं देश में जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रेड करने के लिए सक्षम हैं। और लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए इसमें हमने बहुत तत्परता से, बहुत त्वरित गति से कार्य किया और पिछले 10-15 दिन के अंदर ही हमने ये मंडियों को इंटीग्रेट किया है। इसमें हमने सभी प्रकार के जो इंटरवेंशंस थे, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो डेटा कलेक्शन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, हमने ये सभी काम वर्चुअली किया है, ऑनलाइन किया है और सभी का हमको इसमें, सभी राज्य सरकारों का, मंडी बोर्डों का, मंडी सचिवों का इसमें हमको भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ, जिस वजह से आज ये संभव हुआ है कि 200 मंडियों का हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। इसके साथ के साथ ही हमने आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में एक लाइव ट्रेड किया जो कि कर्नाटका का REMS जो है उसको ई नाम के साथ में इंटरऑपरेबल बनाने के नतीजे से संभव हो पाया है। तो अभी तक कर्नाटका जो REMS के माध्यम से लोकल अपना स्टेट के अंदर ट्रेड करते थे, अब वो ई नाम की व्यापकता से जुड़ गए हैं और वो अन्य राज्यों में अन्य ट्रेडर्स के साथ में किसानों को उचित मूल्य दिलाने में सफल हो पाएंगे। और अब डालते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और अहम झलकियों पर नजर। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना।
30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। कल पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले गिरने का अनुमान। रविवार को ओडिशा, बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। कल गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। दो दिन राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की संभावना। सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। सोमवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। असम और मेघालय में सोमवार को इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश संभव। सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। सोमवार को गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्से और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलना संभव। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह। मौसम खबर में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारे किसान भाई बहनों को मदद मिल रही होगी। अनुमति दीजिए, नमस्कार।